इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वहाँ जो है बल्लू सब उससे, अच्छा बताओ कि आज तुम्हें रात को क्या खाना, जो तुम बोलोगे आज मैं वो बनाऊंगा। इसमें जो मुझे उनका थोड़ा सा प्यार भी दिख रहा होता है। तो लू कहता है कि अच्छा तो ठीक है, पर मैं भी जो है तुम्हारी हेल्प करूँगा। और ये बोलने के बाद जो है लू भागते हुए आता है और वान को हक कर लेता है, एक अच्छी सी बड़ी सी स्माइल देता है। तो ये देख के वान अपने मन में सोचता है कि लू बिल्कुल पहले की तरह है, बिल्कुल चेंज नहीं है। फिर अचानक से वहाँ की जो है लाइट चली जाती है, हाँ, और दोनों ही थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं, अचानक से लाइट चली जाती है। तो ये देख के जो है लू कहता है वान, और वान लू का नाम लेता है, और वो नहीं तो है थोड़े शॉक्ड होते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी जो है लू कहते हैं कि लू जो है अपना फटाफट से जो है मोबाइल का टॉर्च ऑन करता है और कहते हैं कि अचानक से आज लाइट कैसे यहाँ पे चली गई। हाँ, तो ये सुन के जो है वान कहता है एक्चुअली मुझे जो है इस चीज़ के बारे में पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि जो पावर है उसकी थोड़ी शॉर्टेज है, तो हो सकता है आज लाइट चले जाए। तो एक काम करो, तुम जो है घर चले जाओ, वैसे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो गया अब यहाँ पे। तो ये सुन के लू शॉक्ड हो जाता है और कहते हैं कि हाँ और तुम्हारा क्या। तो उसके बाद लू जो वान है वो कहता है मैं, और फिर वान कुछ नहीं बोलता। तो ये देख के लू को गुस्सा आता है और जो है वो लू कहता है कि तुम बहुत बुरे हो। तो वान स्माइल करता है और कहता है नहीं मैं बिल्कुल बुरा नहीं हूँ। और तभी जो है वान लू के फेस को टच करने वाला होता है और कहता है कि अगर तुम कह रहे हो। तभी जो है वान लू जो है वो वान का हाथ हटाता है और कहता है कि क्या तुम्हें शर्म आती है ये बताने में कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। हाँ, और ये सुनते ही जो है वान बहुत ही बुरी तरीके से ऑफकोर्स शॉक्ड हो जाता है और लू को देखने लग जाता है। और लू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि वान तुम्हें जो है लगता है कि मेरी जो है रिलेशन, वान है वो कहता है कि हाँ मुझे सही लगता है कि मैं तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में बात करना चाहिए। और वैसे भी मैं सिर्फ तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में सिर्फ पूछ रहा हूँ, मैं नहीं चाहता, मैं तुम्हें कोई रिलेशनशिप में रहने से मना नहीं कर रहा, बस मैं चाहता हूँ कि तुम जो है मेरे से कोई भी बात छुपाओ मत। तो ये सुनते ही जो है लू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में पीछे देखता है और कहता है कि वान मैं तुमसे इसलिए गुस्सा नहीं हूँ कि तुम जो है मेरे से मेरी रिलेशनशिप या मेरे किसी भी चीज़ मैटर के बारे में बात कर रहे हो, मुझे इस भी बात पे तुमसे जो है गुस्सा आ रहा है कि तुम जो है हमेशा मुझे जो है बच्चों की तरह ट्रीट करते रहते हो। अब जो है मैं 19 ईयर का हो गया, अब मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, तुम मुझे बच्चों कि तक क्यों ट्रेड करते हो। और ये देख के वान भी शॉक्ड हो जाता है ये सब सुनकर। और लू जो है थोड़ा सा कूल होकर फिर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरे में कुछ ज़्यादा ही बचपन है। अब देखो मैंने जो है तुम्हें जो भी अपनी चीज़ें दी वो सब मैंने बता दी। तो ये सुन के वान जो है लू के फेस को टच करता है और कहता है कि हाँ तुमने बता दिया। तभी जो है वान कहता है पर जो लू है वो कहता है पर वान अब तुम्हारा क्या, तुम मुझे कुछ क्यों नहीं बता रहे। और गुस्से में बोलता है कि तुम्हें जो है अंधेरे से डर लगता है, हाँ, और तुम्हें जो है वाटरमेलन भी पसंद नहीं है, सही बोल रहा हूँ ना। और साथ में जब भी तुम जो है खाना खाने के जब तुम सोने जाते हो, सोने से पहले तुम्हें जो है एक ग्लास दूध पीना होता है, और साथ ही तुम्हें जो है हल्के कपड़े पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। और ये सब सुन के जो है वान पूरी तरीके शोर और कहते हैं कि तुम्हें सब चीज़ बताया, हाँ। तो ये सुन के लू जो है चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ मुझे सारी चीज़ें पता है और ये सब जो है मैंने खुद से पता किया है, हाँ ठीक है, सब ही चीज़ें मैंने खुद से तुम्हारे में ये देखी है, मैंने पता किया है। और वो थोड़ा सा जो है और थक जाता है और झुक के बोलता है कि मुझे लगा कि तुम जो है मेरे में चीज़ें देखोगे, मुझे लगा कि तुम जो है तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा अजीब हूँ, मैं तुम्हें परेशान करता हूँ, हाँ, इसलिए मैं मैच्योर नहीं हूँ, मैं चीज़ों को समझ नहीं सकता, इसलिए जो है तुम जो है वान मुझे अब इग्नोर कर रहे हो। तो मुझे पता है कि जब तुम्हें पता चला था मैं मॉल में अकेला हूँ तो वैसे भी रात हो गई, इसलिए तुम जो है मुझे लेने आए थे क्योंकि तुम मुझे बच्चा समझते हो, और मैं जो है तुम्हें कितना कुछ बोल देते हो कि तुम्हें कितना कुछ परेशान करता हो, तुम भी जो है तुम उस पर गुस्सा कुछ भी नहीं करते, तुम गुस्सा भी नहीं करते, मेरे को कुछ बोलते भी नहीं हो, क्यों तुम मुझे इस तरीके से क्यों बच्चों की तरह जो है ट्रीट करते हो,
और मैं तुम्हें कितना कोशिश करता हूँ मैं तुम्हारे साथ, तुम प्लीज़ मेरी फीलिंग की रिस्पेक्ट करो। और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओ, तुम क्यों मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताते। रोते रोते वो जो लू है, और रोते रोते जो है वान के जो है कंधे पे अपना सर रखता है, और ये देख के जो है वान जो है वो लू को जो है टाइट में हक करता है और उसके फॉरहेड पे किस करता है, और लू को सॉरी बोलता है। और वान जो है मन में सोचता है कि मैंने जो है लू को हमेशा ही इंटरेस्टिंग देखा है, खुश हंसते हुए स्माइल करते हुए, तो इसलिए मैं जो हमेशा उसकी केयर करता हूँ। पर मुझे नहीं पता था कि जो लू है वो मेरे को अप्रोच करता है, हमेशा मेरे साथ रहता है, मेरे को ऑब्जर्व करता है, मेरे बारे में जानने की कोशिश करता है। मैं तो सोचता था कि जो है लू अब मेरे साथ रहना नहीं चाहता, अब जिस दिन अगर लू और मेरे साथ नहीं रहना चाहे रहना नहीं चाहता तो मैं उसको जाने दूंगा, पर अब मैं बिल्कुल भी उसे नहीं जाने दूंगा। उसे टाइटली हक करके रखता है। तभी जो है लू कहता है कि क्या हुआ, तो वान कहता है कुछ नहीं और सॉरी बोलता है, और वान जो है लू के फेस को टच करता है और कहता है कि बताओ तुम्हें मेरे बारे में क्या जानना है, मैं तुम्हें सब चीज़ बताऊँगा। तभी जो है वान जो है वो लू का हाथ पकड़ के उसको अपने साथ लेके जा रहा होता था। ये देख के लू कहता है कि वान कहाँ तुम मेरे को लेके जा रहे हो। तभी जो है वान जो है अपने फ़ोन का जो टॉर्च ऐसा ऑन करता है, उसे एक रूम में लेकर आता है और कहता है ये देखो ये जगह मेरी सबसे बेस्ट जगह है। और उस जगह को देख के जो है वान कहता है कि वही जगह है जहाँ पर मेरे जो डैड है मुझे बचपन में जो है बंद कर दिया घर दे। तो वान बचपन की चीज़ों को मतलब बता रहा होता है कि मतलब कैसे उसके वान की जो डैड है उन्होंने वान को उसे कमरे में रख दिया होता है और गुस्से में कह रहे होते हैं कि जब तक तुम सॉरी नहीं बोलोगे तब तक मैं तुम्हें बाहर नहीं निकलने दूंगा। और साथ में वान की मॉम भी होती है। बेचारा जो वान है उस रूम में अकेले जो है बंद पड़ा होता है अंधेरे में। हाँ, और बाहर जो है रूम के बाहर वान और वान के डैड और उसके मॉम के बीच जो लड़ाई हो रही थी, वान की मॉम जो है वान की डैड से कहती है वो बच्चा है कि तुम्हें उसको इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो वान की डैड कहते हैं कि वो मेरा बेटा है, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उसके साथ क्या करना है उसको क्या सिखाना है वो मेरे पे है, तुम अपनी चीज़ों पर ध्यान दो। और ये सारी चीज़ें जो है वान सुन रहा होता है और बेचारा वो बहुत सैड भी होता है। तभी जो है उस रूम का जो है गेट खुलता है जिसमें वान को बंद करके रखा होता है, और वहाँ पर जो है वान की मॉम होती है जो गेट खोल के अंदर आती है वान के पास और वान को हक करती है। तो वान की मॉम जो है वान कहती है, तो वान कहता है कि मॉम मैंने सच्ची में उस लड़के से फाइट नहीं की है, मैंने उसे नहीं घेरा है। तभी जो है वान की जो मॉम है वो कहती है हाँ मुझे पता है, पर तुम मेरे गुड बॉय हो ना तो तुम आगे से फाइट बिल्कुल भी मत करना, तुम उसे प्रॉमिस करो। और वान रो रहा होता है और वान की जो मॉम है वो वान को हक करती है और कहती है कि वान तुम एक बहुत ही अच्छे बॉय हो, और अब जो है तुम्हारे मॉम और डैड दोनों का डिवोर्स हो चुका है और मैं जो है तुम्हारे छोटे भाई को अपने साथ लेके जा रही हूँ क्योंकि जो है मैं तुम दोनों को जो है एक साथ नहीं संभाल सकती। हाँ, मेरे पास इतना मतलब पैसे नहीं है या मेरे पास इतनी अच्छी जॉब नहीं कि मैं तुम दोनों को संभाल सकूं, तो तुम बिल्कुल अच्छे से रहना। तो ये सुन के वान जो मन में सोचता है कि मॉम भी मुझे छोड़ के जा रही है, मेरे को ही क्यों छोड़ के जा रही है, हाँ मुझे इस अंधेरे से कौन बाहर निकालेगा। और वान जो है उस कमरे में ऐसे अंधेरे में बंद होता है। तभी जो है उसको आवाज़ सुनाई देता है जो कि कोई बोलता है वान वान, जो कि लू आया होता है वो बहुत खुशी से आया होता है और वान को बुला रहा होता है। और लू कहता है कि वान चलो मैं तुम्हें जो है इस अंधेरे से निकालने के लिए आया हूँ, और यही सब सोच रहा होता है। इसी के साथ हमारा ये जो एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, बाय।